आज बिला में से तो नाइंथ बिस्मिल्लाह रहमान के इस्लाम स्टूडेंट करेंगे बुदिज्म फ्रॉम द एरा ऑफ आर्यंस खोशन्स एंड गुप्तास दिस इज विंडो टू वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास सिक्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग गौतमा बुद्धा रियल नेम वाज सिद्धार्था एंड ही वाज बोर्न इन अ नोबल फैमिली ऑफ द क्षत्रिय कैस्ट आ, असल में अब गा बुद्ध के बारे में या आप गौतम बुद्धा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका असल नाम सिद्धार्थ है इसकी पिक्चर आपको साइड में नज़र आ रही है ये बाकायदा एक रिलीजन है जिसको प्रैक्टिस किया जा रहा है तकरीबन 2500 साल से इस इंडिया के अंदर आ, अब ये एक बहुत ही शरीफ घराने में पैदा होता है जो कि शत्रिया कास्ट से इनका ताल्लुक है शत्रिया कास्ट में मैंने आपको बताया था ज़्यादातर वॉरियर्स आते थे नोबल्स आते थे उमरा वग़ैरह और शाही ख़ानदान वाले और रूलर्स वग़ैरह जो हुक्मरान होते वज़रा और बादशाह और इस तरह के सारे जितने रॉयल फैमिलीज़ होते हैं तो ये भी इसी तरह के घराने में पैदा हो रहा है असल नाम है सिद्धार्थ ही फाउंडेड इन ट्वेंटी फाइव हंड्रेड अगो, और ये पच्चीस सौ साल पहले इसने इंडिया के अंदर एक बुद्धि का नया अकीदा जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया लोगों को बताया कि बुधज़म कोई चीज़ है बुधज़म इज़ अ रिलीजन ऑफ़ पीस एथिक्स एंड सेल्फ़ कंट्रोल अब इस बुधज़म की जो बेसिक्स थी वो क्या थी कि ये मज़हब की पहली बुनियाद थी अमन यानी अमन और भाईचारा दूसरी बुनियाद थी एथिक्स यानी आपके अखलाक़ जो है ना वो बहुत बेहतर होना चाहिए हर किसी के साथ आपने डाउन टू अर्थ होकर बात करनी है बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से बिहेव करना है नाइसली बिहेव करना है और तीसरा है अपने आप की सेल्फ कंट्रोल करना अपने नफ्स पर काबू पाना यानी अपनी ख़्वाहिशात पर काबू पाना बुधज़म रिजेक्टेड कास्ट सिस्टम एंड बिलीव इन द क्वालिटी ऑफ़ पीपल एंड सिंपल लिविंग अब बुधज़म ने जो बहुत मेजर रोल अदा किया वो ये था कि इसने जात पात का सिस्टम जो इंडिया में बहुत ज़्यादा फैल चुका हुआ था उसकी मुखालफत की कहने को तो ये बहुत अच्छा काम इसने किया था कि यह ऊंच नीच और ज़ात पात को इसने ख़त्म किया कुछ लोग बिलीव करते हैं कि ये इस्लामिक स्टडीज़ से बहुत रिलेटेड था लेकिन इस इसमें इस्लाम वाली बात हमें नज़र नहीं आती क्योंकि यहाँ शर्क जो है वाजिया नज़र आ रहा है कि वो बुधा को ही जो है या सिद्धार्थ को ही वो खुदा मानना शुरू हो जाते हैं इसके जितने पैरोक हैं तो ये चीज़ ग़लत है लेकिन इसकी कुछ बातें जो अगर कंपेयर किया जाए एज हिंदुज़म तो बुद्धाज़म इज़ मच बेटर देन हिंदुज़म क्योंकि इसमें इन्होंने लोगों के जो बराबरी है वो इंट्रोड्यूस करवाई और सादा ज़िंदगी को आ, बताया कि हमें सादा गुजर बसर करनी चाहिए यानी ये कोई अमीर गरीब नहीं होता और जो फजूलियात हैं और ख़र्चे करना और इतने पैसे लगाना और इतने बड़े बड़े घरों में रहना और सोने के बर्तन चांदी के बर्तन इसके ये ख़िलाफ़ था तो कहता था कि इंतहाई सादा ज़िंदगी जिये एक दूसरे का ख्याल करें अमन से रहें और ज़ात पात में ना पड़ें बुधा मेडिटेटेड डीपली फोर यर्स इन हैज़ सर्च फॉर द ट्रुथ अबाउट लाइफ अब इस बुधा ने बहुत सारे चिल्ले काटे बहुत सारे मुराकबात किए लाइक वो बैठ जाता था एक पत्थर के ऊपर कई कई दिन बहुत कम खाना खाता था बल्कि कई कई दिन तो खाता ही नहीं था आंखें बंद करके बस वो आ, अपनी अपने अपनी नफ्स के अंदर एक तलाश कर रहा था कि आखिर ज़िंदगी का मतलब क्या आखिर सच्चाई क्या है कि मुझे दुनिया में क्यों भेजा गया है मैं इस दुनिया में क्यों हूँ मैं ज़िंदा क्यों हूँ उसकी कोई वजह है बुधाज़ मेन एम्फेसिस वॉज ऑन सेविंग वन सेल्फ फ्राम द डिस्पेयर एंड सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड बुधा ने जिन दो चीज़ों के ऊपर बहुत जोर दिया वो वो ये है कि एक तो अपने आप को नाउमीदी से बचाना दूसरा ये कि सफरिंग जो दुनिया में आपको करनी पड़ रही है मुश्किलेंहनी पड़ रही है उनसे बचने का क्या रास्ता है बुद्धिज़म फ्लोरिश ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द एम्प्रर्स अशोका घनिष्का चंद्र गुप्ता टू एंड हारशा अब ये चार ऐसे बादशाह हैं जिनके दौर में बुद्धिज़म जो है बहुत ज़्यादा प्रवान चढ़ रहा है जगह जगह फैल रहा है और इन बादशाहों को भी इससे कोई लेना देना नहीं था क्योंकि वो बहुत अमन वाला रिलीजन था पीसफुल थे लोग उसके और किसी को कुछ कहने वाले नहीं थे बेफजूल रोकने टोकने वाले नहीं थे तो इसलिए बादशा को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था इनसे वो कहते थे कोई नहीं मसला लगे रहो जहाँ लगे हुए हो द प्रिंसिपल ऑफ़ बुद्धिज़म रिवॉल्व अराउंड द फोर नोबल ट्रुथ एंड द एट फोल पाथ अब जो इसकी बेसिक्स आ जाती जा हैं जो इसके असूल आ जाते हैं इस रिलीजन को जो भी एक्सेप्ट uh, करता था उसको इन असूलों को मानना ज़रूरी होता तो उसमें तो चार उनके सच थे जो हकीकत uh, दुनिया में है एक इंसान की वो क्या हो सकती है और आठ फोल्ड पाथ थे यानी इन आठ रास्तों पर चलकर आप अपने आप को इस काबिल बना सकते हो कि जब अगली दफ़ा आप इस दुनिया में आओ तो आपकी जो सोल है आपकी जो रूह है वो किसी या तो नाउज़ बिल्ला किसी देवी देवता के अंदर होगी ठीक है आप देवी देवता बनकर आओगे दुनिया में या फिर अगर आप बहुत अच्छे अमीर इंसान बनकर आओगे बहुत नेक और बड़े नामवर इंसान या अगर आपने बुरे काम किए हुए हैं है, और आपने इन आठ असूलों पर अमल नहीं किया आपने पिछली ज़िंदगी में तो आने वाली ज़िंदगी में उसमें आप जानवर भी बन सकते हो कोई भी जानवर के रूप में दुनिया में आ सकते हो लाइक जो समरसा था ना आखिरी इनका जो एट फोल्ड पाथ था वो ये था कि फाइनली आप जब आठवां सीढ़ी पर चढ़ोगे ना बाकी तो सात जो हैं वो पिलर्स हैं इनके लेकिन जब आठवीं सी पर चढ़ोगे आठवें फोल्ड के ऊपर रास्ते को अपनाओगे तो फिर आप की निजात हो जाएगी अच्छाई में या बुराई के अंदर ठीक है और आप रीबर्थ करोगे आपकी रीबर्थ होगी अब देखिए अकदा हमारा भी यही है कि हमें भी नई ज़िंदगी मिलेगी लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दुनिया में ही दोबारा से दूसरा जन्म लेकर पैदा होंगे और हम कोई कुछ और बनकर इस दुनिया में बल्कि हमारी ज़िंदगी ना ख़त्म होने वाली होगी जब हमें आख़रत के बाद सजा जजा के बाद जो मामला होना है फिर वो हमारी ज़िंदगी जो है ना दैट इज़ द इटर्निटी एंड दैट इज़ द फाइनल लाइफ अब फोर्थ नोबल ट्रुथ जो है वो क्या है एक तो सफरिंग है धोखा यानी आपको जो दुख मिलता है अब दुख क्यों मिलता है इसकी दूसरी जो बात है वो ये है द एंडिंग ऑफ सफ़रिंग यानी अगर आप अपनी लालच को और इग्नोरेंस uh, को इसी वजह से हम सफ़र करते हैं ना यानी किसी से हसद कर लेते हैं या लालच करते हैं कि भाई हमें क्यों नहीं मिली ये चीज़ या हमें ये सब कुछ चाहिए तो इस चक्कर में बंदा जो है ना अपनी सारी ज़िंदगी दुख उठाता रहता है फिर तीसरी बात जो की है कि मेडिटेशन करें यानी अपने आप को जो है ना बिल्कुल अपने अल्लाह के हवाले कर दें खैर इनका मतलब तो ये नहीं था कि अल्लाह के हवाले कर दें लेकिन ऐसा कि अपने नफ्स को कंट्रोल कर लें ठीक है और मेडिटेशन क्या है कि खामोशी से इबादत में अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें द पाथ लीडिंग टू द एंडिंग ऑफ सफरिंग और फिर फ़ाइनली uh, एक ऐसा रास्ता ढूंढें uh, जो कि आपकी इस जो सफ़रिंग है आपके दुख को आपकी परेशानी को ख़त्म करने वाला हो ऐसा रास्ता आपको मिल जाएगा जब आप मुसलसल अपने आप को इबादत में रखेंगे और कम खाना पीना और ख्वाहिशात पर कंट्रोल तो फिर आपके सारे खत्म हो जाएंगे अब यहाँ पर आपको एक ये स्टेयर व्हील नजर आ रहा है और ये आपको अक्सर शिप्स के ऊपर नजर आता है अगर ये ना हो तो आप शिप को मूव नहीं करवा पाते तो वो आ, आपके अपनी बॉडी को एज अ शिप आपको दिखा रहे हैं कि आप एक दुनिया के समंदर के अंदर शिप के तौर पर और आपका आ, जो स्टेयरिंग व्हील है वो आपके अपने हाथ में है अगर आप स्टेयरिंग व्हील को जरा सा ढील देते हो तो आपकी कश्ती डूबने के हद पर पहुंच जाती है ये फोल्ड जो हैं इनमें सबसे पहली बात तो यह कि आप सही बात बोलो सही बात बोलो सही काम करो दिल्ला राइट कंडक्ट राइट वर्ड राइट लिविंग अपना रहन सहन का तरीक़ा आपका बिल्कुल सही हो फिर राइट एफर्ट करो यानी किसी बेहतरी की चीज़ के लिए किसी अच्छी चीज़ के लिए कोशिश करो राइट थिंकिंग रखो अपनी सोच को मस्बत रखो राइट मेडिटेशन करो अपने जो ख़्यालत हैं उनको अच्छाई की तरह यानी हर वक्त अच्छा सोचना और इबादत में वक्त गुजारना और अपनी ज़ात पर यकीन करना नफ्स के पीछे ना भागना फिर राइट इंटेंशन एक आपकी नीयत का ठीक होना बहुत ज़रूरी है यानी आप दिखावे की मेडिटेशन ना करो दिखावे का सच मत बोलो दिखावे की हरकतें ना करो आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ और फिर आपका अकीदा होना बहुत ज़रूरी है जो कि राइट बिलीव होना कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ और मैं इस दुनिया में बुरे काम करने नहीं आया तो ये उनके राइट जो है एट फोल्ड्स थे जिनमें उन्होंने ये सारी चीज़ वर्ड कंडक्ट लिविंग एफर्ट थिंकिंग मेडिटेशन इंटेंशन और बिलीव जो है इनके आठ रास्ते हैं धर्मा चक्र द व्हील ऑफ़ लॉ शोइंग द एट फोल्ड पाथ अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिसने भी बुद्धिज़्म में आना है उसके लिए ये ज़रूरी है इन आठ रास्तों पर चलना और इन चार बातों को इन चार चार सच को अपनी जिंदगी पर लागू करना और इसको आ, हिंदी में धर्मचक्र भी बुलाया जाता है संस्कृत की जुबान में इसको धर्म भी बुलाया जाता है यानी मज़हब का चक्कर या आ, जो उनका धर्म आपको पता ना हिंदी में मज़हब को बुलाते हैं चले हम पढ़ लेते हैं जर्निज़म के बारे में इन सिक्स पी सी ई महावीरा वर्धम फाउंडेड द जैन रिलीजन ही वॉज बॉर्न इन अ रॉयल फैमिली हिज फादर वॉज अ राजा इन नॉर्दर्न इंडिया एंड बिलोंग टू द कास्ट ये भी सिद्धार्थ की तरह यानी बुद्धा की तरह एक रॉयल फ़ैमिली में पैदा होता है और इसी ने इस मज़हब की जो है ना बुनियाद रखी है इसका नाम है महावीरा वर्धमाना और इसके जो बाप हैं वो नॉर्दर्न इंडिया में यानी जनूबी इंडिया के बादशाह हैं राजा हैं वहाँ के और ये भी किस जात से ताल्लुक़ रखते हैं शत्रिया की जात से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि ब्राह्मण के बाद आती है जिनमें वॉरियर्स नोबल्स और जो रूलर्स हैं उनकी फैमिलीज़ होती हैं ज़्यादा ही स्ट्रगल फॉर पीस एंड सेल्फ़ सेटिसफैक्शन फॉर ट्वेल्व ईयर्स अब इसने भी कोई बारह साल चिले में काटे हैं अपनी सेल्फ़ सेटिसफैक्शन के लिए अमन के लिए अपनी जात का मुशाह करने के लिए अपने आप को मुजाहिदों में डाला भूख प्यास काटी एंड देन प्रीच हिज़ आइडिया टिल हिज डेथ और फिर जब उसने वो चीज़ हासिल कर ली सेल्फ़ सेटिसफेक्शन जो कि उसके मुताबिक अब वो राइट वे में जा रहा था और उसके लिए ये अब ठीक था कि वो दूसरों को भी तकबिलीव करता इस रास्ते पे दावत देता तो उसने फिर बारह साल के बाद तबलीग का सिलसिला शुरू किया और फिर अपने मरने तक अपने आइडियाज़ को अपनी इस तबलीग को जारी रखा लोगों तक पहुंचाता रहा देयर वर्ल्ड ट्वेंटी फोर तिरतान क्रास इन जनेजम अब तिरतान क्रास क्या है जिनकी पिक्चर आपको नजर आ रही है तकरीबन चौबीस लोग थे और इनको तिरतरा क्रास इसलिए बुलाया जाता था क्योंकि ये अपनी जो अटर्निटी लाइफ है ना उसके अंदर एंटर हो चुके थे बकॉल इनके के जी हमने अगली दुनिया की ज़िंदगी भी देख ली और अब हमारा दोबारा रीबर्थ भी हो गया और हम बाकी लोगों को भी उस रास्ते पर लेकर जा रहे हैं क्योंकि ये जिंदगी जो है ना बेहतरीन जिंदगी है तो ये तकरीबन चौबीस लोग थे जो ये हरकतें कर रहे थे एंड महावीरा वॉज वन ऑफ़ दैम और महावीरा भी जो है ना इन्हीं चौबीस में से एक बंदा था द थ्री गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ जर्निज़म और द थ्री यूल्स आर राइट बिलीव राइट नॉलेज एंड कंडक्ट अब इनके भी तीन सुनहरे असूल थे या आप उनको तीन uh, मोती बुला लो या तीन uh, अकीदे बुला लो वो ये थे कि एक तो आपके पास राइट बिलीव होना चाहिए एक आपका अकीदा बेहतर हो या आपका पास जो है नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए बिल्कुल सही नॉलेज होना चाहिए सही असल बात सच बात का पता होना चाहिए आपको और आपका चलन जो है ना यानी कंडक्ट जब आप करें उस चीज़ को आपका अमल जो है वो बड़ा सही साले अमल होना चाहिए तो ये तीन बातें थी इनके मज़हब के अंदर और आप एट फोल्ड और फोर नोबल ट्रुथ जो हैं आपको पता है बुद्धम में थे तो यही एक दो चीज़ें जो आपने इसमें से याद करनी है और वो आपसे पूछेंगे कि वो कितने लोग थे जो तीर्थरांस थे तो वो आप बता कि तकरीबन ट्वेंटी फोर अफराद थे जिनकी पिक्चर मैंने आपको दिखा दी द सुप्रीम प्रिंसिपल ऑफ जैन लिविंग इज़ नॉन वायलेंस अब इनका जो सबसे बड़ा असूल था ना सुप्रीम आ, इनका जो प्रिंसिपल था वो यही था कि नॉन वायलेंस ज़िंदगी चाहिए आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना आपस में प्यार मोहब्बत से बर्दाश्त से ज़िंदगी गुजारनी है चलें बच्चों इन्फॉर्मेशन प्रॉम पढ़ लेते हैं द फाइव वोज ऑफ जनिज़्म क्या आती हैं जनिज्म में जो पांच कस्में उठाई जाती थी जो भी इस रिलीजन से इन कॉन्टेक्ट होता था या जो इस रिलीजन के अंदर आता था दाखिल होता था वो पांच कस्में खाता था एक तो अहिंसा नहीं करेगा लाइक नॉट इवन अ ट्रेस ऑफ वायलेंस टूवर्ड्स लिविंग बींग्स किसी भी जानदार से चाहे वो दरख्त है परिंद हैं इंसेक्ट हैं या ह्यूमन बींग हैं ठीक है उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा आस्ते क्या है नॉट टू डिप्राइव अदर ऑफ इवन अ ब्लेड ऑफ ग्रास बिलोंगिंग टू दैम अभी भी किसी किसी से कोई चीज़ के अपने पास जबरदस्ती नहीं रखेगा या ये होता ना इस्तेमाल के लिए किसी को चीज रख लेते हैं और फिर अपने घर में ही रख लेते हैं वापस करने के बारे में सोचता ही नहीं है ठीक है तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा फिर सत्या क्या है नॉट टू टेल अ lie इवन रिमोटली कभी भी आपने झूठ नहीं बोलना चाहे आप अकेले हैं दो लोग हैं दस लोगों के बीच में हैं कभी भी किसी भी मुसीबत में भी आप फंसे ना आपने झूठ नहीं बोलना ब्रह्मचार्य क्या है नॉट टू एंटरटेन एनी अननेसेसरी वांट यानी आप इतनी सादा ज़िंदगी गुजारेंगे जो ज़रूरत आपकी है बस उसको पूरा करें यानी दो वक्त की रोटी इंसान की जरूरत होती है दो अदद सूट जो हैं वो काफ़ी होते हैं और पीने के लिए गिलास और और थोड़ी सी रहने के लिए एक छत और एक चरपाई या ज़मीन पर लेटने के लिए कोई बिस्तरा वगैरह है बस यानी इतनी सादगी सिखाई गई ब्रह्म होने के लिए और ये लालच ना हो कि जी मैं ये भी इकट्ठा कर लूँ गाड़ी भी ले लूँ बाइक भी ले लूँ साइकिल भी खरीद लूँ दो दो सूट नए बनाऊँ हर एक हफ्ते के बाद तो ये चीज़ें जो है ना अवॉइड करनी थी इसके अंदर और आगे क्या है आप प्रग्रह क्या है नॉट टू हैव पोजेशन ऑफ वर्ल्ड गुड्स और इसमें जो सबसे बड़ी कसम थी वो ये थी कि आप कोई लैंड हो कोई घर हो या कोई खेत हो या कोई जायदाद हो आप ओन नहीं करेंगे दुनिया की चीज़ों के पीछे नहीं भागेंगे और ना उनको ख़रीद कर अपने पास संभाल कर रखेंगे यानी बिल्कुल फ्री ऑफ टेंशन लाइफ गुजारनी जो कि बहुत अच्छी बात थी और ये हमारा दीन भी यही सिखाता है कि ये दुनिया आर्जी है ठीक है ना अब हमारे दीन की तो क्या ही बात है माशाल्लाह ये सब इन्होंने हमारे दीन से ही सीखी हैं ये सारी चीज़ें उम्मीद करती हूँ आपको इस टॉपिक की अच्छे से समझ आई होगी इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपना खूब ख्याल रखिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग अल्लाह के पान